दोस्तों, अंबानी परिवार देश का सबसे मशहूर और अमीर खानदान है। हर कोई उस परिवार की लग्जरी लाइफ के बारे में जानना चाहता है। अंबानी परिवार के पास में बहुत ही संपत्ति है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि उनकी ज़िंदगी में दुख नहीं आए। दोस्तों, जब मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी से शादी की थी तो सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन दोस्तों शादी के 3 साल बाद पूरे परिवार को एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिली थी। इस बात का खुलासा खुद नीता अंबानी ने एक इंटरव्यू में किया था। दोस्तों, साल 2011 में नीता अंबानी ने इंटरव्यू में बताया था कि वो हमेशा से माँ बनना चाहती थी। स्कूल के समय पर उन्होंने माँ बनने को लेकर निबंध भी लिखा था। उन्होंने कहा कि शादी के कुछ साल बाद डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। उस समय मेरी उम्र 23 साल की थी, तब मुझे पता चला कि मैं कंसीव नहीं कर सकती। ये बात सुनकर मैं टूट सी गई थी। डॉक्टर फिरोजा पारिक मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, उनकी मदद से कुछ सालों बाद मैंने कंसीव किया और मेरे जुड़वा बच्चे पैदा हुए। ये बच्चे थे आकाश और ईशा अंबानी। इसी इंटरव्यू में नीता ने यह भी बताया कि वो एक दर्दनाक प्रेगनेंसी से गुजरी है। उन्होंने बताया कि मेरे सरोगेसी के जरिए ट्विंस पैदा हुए, लेकिन वे समय से 2 महीने पहले ही हो गए थे। इसके 3 साल बाद अनंत अंबानी का जन्म हुआ। ये एक नेचुरल प्रेगनेंसी थी, लेकिन इससे मेरा और बच्चे का वजन बहुत ही बढ़ गया था। मैं बहुत ही खुश थी, इसलिए जो हो रहा था वो होने दिया। दोस्तों, नीता अंबानी ने अपने बच्चों की परवरिश के बारे में बताया था कि जब मेरे बच्चे बड़े हो गए थे तब भी मैं उन्हें सिर्फ 5 रुपये ही दिया करती थी, जिसे वो अपनी कैंटीन में कुछ खाने पीने का खर्च कर सके। एक बार मेरा छोटा बेटा अनंत मेरे पास आया और उसने मुझसे 10 रुपये मांगे। जब मैंने उसका कारण पूछा कि तुमने 10 क्यों चाहिए, तो उसने कहा कि स्कूल में जब भी मेरे दोस्त 5 रुपये के साथ देखते हैं तो हम सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि तू अंबानी है या भिखारी। इसमें मैं और मुकेश कुछ नहीं कर सकते थे। पिछले दिनों वोग मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में ईशा अंबानी ने खुलासा किया कि वो और उनका भाई आकाश अंबानी IVF टेक्नोलॉजी के जरिए पैदा हुए थे। नीता अंबानी ने मुकेश अंबानी से शादी के 7 साल बाद 2 जुड़वे बच्चों को जन्म दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पैदा होने के बाद माँ नीता अपना पूरा समय हमें देना चाहती थी। जब हम 5 साल के हुए तब वह फिर से अपने काम पर लौट गई। आज भी वह वैसी ही है जैसा पहला हुआ करती थी। पापा से ज़्यादा माँ कड़क स्वभाव की थी।